अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है जी सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज की जो वीडियो दोस्तों ये है जी 3D प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि आज की वीडियो स्पॉन्सर किया है हमें एनट 3D प्रिंटर्स कंपनी ने, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। मुख्तलिफ किस्म के दोस्तों 3D प्रिंटर बनाती है, 3D प्रोडक्ट्स बनाती है। तो आज हम उन्होंने हमें भेजा जी ये कुछ सामान। तो आज उस सामान की करनी है जी अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग और चेक करना है क्या क्या सामान है और किस तरह का सामान है। तो बहुत ही वजनी लग रहा है मुझे बॉक्स, लगता है काफ़ी सारा सामान है। तो आज की जो वीडियो बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि आज जो है हम काफ़ी सारा सामान अनबॉक्स करने वाले हैं 3D प्रिंट्स के ऊपर। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक जरूर कर देना है, और अगर आप शौक रखते हैं 3D प्रिंट्स के प्रोडक्ट के ऊपर तो आप वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, ताकि देखा जाए कि इसके अंदर क्या क्या सामान निकला है और क्या चीज़ है, उसको किस तरह यूज़ करना है। तो दोस्तों अब टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं जी इसकी अनबॉक्सिंग। तो लीजिए जी ये आ चुका है जी हमारा बॉक्स, जिसके अंदर काफ़ी सारा सामान भेजा है हमें कंपनी ने, जो कि है एनट 3D प्रिंट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप उनकी कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो वो बाय कर सकते हैं आप। तो आज हम करते हैं जी उनकी प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग। तो बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट लग रही है, तो टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करता और खोलता हूँ। तो वाओ दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सामान जो है हमें भेजा है कंपनी ने। तो ये है जी उनकी तरफ से भेजे गए 3D पेन। तो कंपनी ने जो है नया 3D पेन दोस्तों लॉन्च किया था, उन्होंने हमें भेजा है रिव्यू के लिए, अनबॉक्सिंग के लिए। तो ये कुछ 3D पेन है, इनको निकालते हैं बाहर, और उसके बाद कुछ सामान और भी दिया है वो भी देखते हैं। तो 3 पैकेट कुछ सामान के हैं, तो ये भी सामान आ चुका है जी। तो ये कुछ सामान है, उसके बाद बॉक्स खाली है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि पहले भी हमने 3D पेन के ऊपर अनबॉक्सिंग की हुई है, और 3D पेन के बारे में कुछ मुतल्लिक बता दूं। 3D पेन दोस्तों ऐसी चीज़ है या ऐसा पेन है जिसके ज़रिए आप 3D में ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि 3D पेन जो है वो आपको किसी भी डायमेंशन 3 डायमेंशन के अंदर जो है ड्राइंग देता है। यानी कि आप जो पेन वगैरह से ड्राइंग करते हैं पेज के ऊपर वो 2D ड्राइंग होती है, लेकिन ये इसके ज़रिए जो है आप 3D में भी डिज़ाइन कर सकते हैं और आपको दिखेगा वो चीज़ 3D में कि जिस तरह आपने बनाई है। तो पहले भी हमने 3D पेन के ऊपर अनबॉक्सिंग की हुई है, तो आज हमारी ये एक और सेकेंड अनबॉक्सिंग है जो कि 3D पेन के ऊपर है, जो कि कंपनी है एनट उनकी तरफ से भेजे गए हैं। ये सारा सामान देख रहे कितना ज़्यादा सामान है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। आज हम इन सारे सामान को करेंगे अनबॉक्स, लेकिन इनमें से जो है हम एक को जो है अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है चुका है जी हमारा 3D पेन। तो इसको करना है जी हमने अनबॉक्स। सबसे पहले फर्स्ट लुक में आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोस्तों यहाँ पर 3D पेन है, लो टेम्परेचर 3D पेन है, तो बहुत ही हाई क्वालिटी और दोस्तों पेन है, और इसको आप बाय कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक से। तो लिंक दिया हुआ है मैंने कंपनी का, वहाँ से चाहे बाय भी कर सकते हैं। बाकी मैं इनके और प्रोडक्ट्स भी आपको दिखा देता हूँ। तो और प्रोडक्ट्स में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनकी कंपनी है, जो कि इनकी वेबसाइट है कंपनी की एनट 3D प्रिंटर। तो यहाँ पर आपको इनके काफ़ी सारे जो है 3D प्रिंटर्स दिख जाएंगे। उसके बाद ये 3D पेन आ चुका है जो हमें भेजा गया है, इसकी मैक्सिमम कीमत जो है $22 है। और उसके बाद जो है यहाँ पर और बड़े काफ़ी सारे 3D पेन है, 3D प्रिंटर्स हैं, फिलामेंट्स वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारा सामान है, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ से आपको काफ़ी सारा सामान मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये सबसे लो टेम्परेचर 3D पेन है। उसके बाद कॉन्टेंट में देख सकते हैं जी इसके 3D पेन और निकलेगा इसके अंदर से चार्जिंग जो है केबल निकलेगी इसके अंदर से। उसके बाद रैंडम कलर PCL फिलामेंट निकलेगा 2 रोल। उसके बाद इंग्लिश मैनुअल निकलेगा, स्टेंसिल निकलेंगे, 3D पेन है, ड्रा व्हाट यू थिंक। उसके बाद उसके कुछ फीचर्स हैं वो लिखे हुए हैं, जिसमें इसके वोल्टेज जो है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर है, चार्जिंग USB केबल के जरिए होगी, LED इंडिकेटर है येस। उसके बाद फिलामेंट जो है 1.75 mm का लगेगा, जो कि आम फिलामेंट है जो कि मैं इस 3D प्रिंटर के अंदर भी दोस्तों इस्तेमाल करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये फिलामेंट है, ये भी 1.75 है, तो इसको भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का मुझे लग रहा है वैसे 3D पेन, तो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट बनाई है कंपनी ने, वज़न भी इतना ज़्यादा नहीं है बॉक्स का। तो अब इसको खोलते हैं और देखते हैं। तो लीजिए जी ये आ चुका है जी हमारा 3D पेन, और सबसे पहले आप देख सकते हैं ब्लू कलर में निकला ये 3D पेन, तो उसको मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या सामान दिया गया है कंपनी की तरफ से अगर आप 3D पेन बाय करते हैं। तो इसके अंदर से निकलेगा दोस्तों आपके लिए चार्जिंग केबल, तो ये एक चार्जिंग केबल आती है इसके साथ, जिसके ज़रिए आप इसको पावर ऑन करेंगे। 2 फिलामेंट के रोल निकलेंगे जैसा कि कंपनी ने कंटेंट में लिखा हुआ है, तो ये 2 रोल आ चुके हैं जी फिलामेंट के। उसके बाद टेस्टिंग के लिए होते हैं वैसे ये 2 रोल। उसके बाद इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल है, तो ये यूज़र मैनुअल आ चुका है जिसको रीड करके आप इसको चलाना सीख सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर एक स्टेंसिल मिलेगा, यानी कि नमूना मिलेगा जिसके ज़रिए आप इसकी जो है 3D प्रिंटिंग या 3D ड्राइंग कर सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं, ये है जिस स्टेंसिल जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ चीज़ें ड्रा कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो वैसे ही एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि अगर आप के बच्चे पढ़ रहे हैं या स्कूल वगैरह में हैं तो उनको अगर 3D के ऊपर जो है आपने बताना कि किस तरह 3D जो है आप ड्राइंग कर सकते हैं, उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, स्कूलों वगैरह के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ होनी चाहिए वैसे हमारे पाकिस्तान में। तो बाकी आप सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये आ चुका है जी 3D पेन। इसके ऊपर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है दो यहाँ पर होल हैं, एक जो है चार्जिंग का है और एक जो है फिलामेंट का है जिसके ज़रिए फिलामेंट इसके अंदर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया जो कि इसकी स्पीड कंट्रोल का है और इसका अनलोड का बटन है। उसके बाद यहाँ पर जो है लोड का बटन है, यानी कि इसको प्रेस करेंगे तो आपका फिलामेंट इसके अंदर से आगे आ जाएगा और इसको दबाएंगे तो अनलोड हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद काफ़ी जो है अच्छी ग्रिप है इसकी, आप इसको पेन की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह लग रहा है जैसे कि मार्कर या बड़ा पेन जो है आपने पकड़ लिया हाथ में, तो जिस तरह आप यूज़ करते हैं पेन वगैरह पेंसिल वगैरह को उस तरह यूज़ करके आप इसके ऊपर जो है 3D प्रिंटिंग कोई भी कर सकते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, अब इसके जरिए जो है 3D प्रिंटिंग करते हैं, हम 3D ड्राइंग करते हैं। तो उसके साथ मैं लगा रहा हूँ जी एक अडाप्टर ताकि इसको हम जो है पावर ऑन करें। तो इसके साथ जो मैं अडाप्टर यूज़ कर रहा हूँ, आपने मैक्सिमम जो है 2 एम्पीयर का यूज़ करना है। तो लीजिए जी अडाप्टर लगा ली, इसको यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइट जो है ऑन हो चुकी है। और उसके बाद अब ये काम करते हैं, इसके अंदर जो है फिलामेंट जो है कुछ डालते हैं और चेक करते हैं। तो फिलामेंट मैं लगाता हूँ जी इसके अंदर, तो ये भेजा जी कंपनी ने इसके साथ फिलामेंट थोड़ा सा, तो यही फिलामेंट हम इसके अंदर लगा लेते हैं। और बड़ा नरम सा दोस्तों फिलामेंट है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों फिलामेंट जो है इसके अंदर जा रहा है ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक जो है बाहर भी आ रहा है जो एक्स्ट्रा फिलामेंट होगा। तो लीजिए जी अब ये रुक चुका है और जो ख़राब फिलामेंट था वो हमने निकाल दिया है। तो अब ये काम करते हैं, इसे कुछ चीज़ ड्रा करते हैं और फिर आपको बताता हूँ किस तरह से ड्राइंग होती है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर कुछ चीज़ ड्रा करता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कितना मज़ा आ रहा है इसको जो है 3D पेन को यूज़ करते हुए, और मैं जो हूँ बड़ी खूबसूरत सी इसके साथ जो आज प्रिंटिंग करूँगा। आज मैं बनाऊँगा सबसे पहले ऐनक, उसके बाद हम इसके ज़रिए बनाएंगे कोई और चीज़ जो स्टेंसिल के अंदर है। तो आप चाहें अपने हिसाब से खुद भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप स्टेंसिल का इस्तेमाल करें, विदाउट स्टेंसिल भी जो है आप बना सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करते हुए। तो अभी मैंने इसको बटन भी छोड़े हुए, बटन भी मैंने दबाया हुआ और फिर भी जो है ये हमारा बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो आपने सिर्फ हल्का सा बटन को प्रेस करना है और आपने जो है इससे ड्राइंग शुरू कर देनी है। और उसके बाद जो है अब हम दूसरी इसकी साइड बना लेते हैं, वो भी मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ऑलमोस्ट जो है दोस्तों हमारी जो है ऐनक कंप्लीट हो गई है, और आप देख सकते हैं मैंने जो है अपनी ऐनक का टोटल फ्रेम जो है रेडी कर लिया है। अब थोड़ा सा टाइम वेट करते हैं ताकि ये अच्छी तरह जो है सूख जाए, तरह सूख चुकी है और ऑटोमेटिक जो स्टेंसिल से ये उतर जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये दोनों साइड उतर चुकी हैं, अभी जो है इसका वेट कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए और फिर ये भी इंशाल्लाह उतर जाएगी। ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो है ये भी उतर चुकी है। तो अभी हम देख सकते हैं हमारी जो ऐनक रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी जो है इसकी जो है ये लेग्स लगा लेते हैं। तो मैं जो हूँ इसको लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करते हुए, और जो फिलामेंट है वो भी बड़ा अच्छा है और नरम सा फिलामेंट है, इतना ज़्यादा सख्त फिलामेंट जो है दोस्तों नहीं है। तो अब मैं जो हूँ इसको जोड़ लेता हूँ। लीजिए जी पहली जो है हमारी प्रोडक्ट रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं किस तरह हमने ऐनक बनाई है। उसके बाद एक और प्रोडक्ट रेडी करते हैं फिर आपको कटी दिखाऊंगा।
दोस्तों, अब आपने देख लिया हमने जो है अपने 3D पेन से कितनी ज़्यादा ड्राइंग की है। तो हमने जो है सबसे पहले जो है अपनी ऐनक रेडी की, आप देख सकते हैं 3D प्रिंटेड ऐनक का फ्रेम है। उसके बाद जो है हमने साइकिल रेडी की, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत जो है 3D प्रिंटिंग की है इसने। और उसके बाद एक रेडी किया हमने दोस्तों एफल टावर, आप देख सकते हैं 3D प्रिंटर से। दोस्तों आप अपने बच्चों को देकर आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें उनको सिखा सकते हैं, किस तरह ड्राइंग की जाती है 3D प्रिंटिंग के ज़रिए और किस तरह जो है 3D में डिज़ाइन की जाती है। उसके बाद हमने एक छोटी सी कार भी रेडी की, आप देख सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप इस पेन को यूज़ करेंगे उतने ही आपका हाथ जो है अच्छा हो जाएगा इसको ड्राइंग को बनाने में। उसके बाद आप और भी अच्छी अच्छी चीज़ें इससे बना सकेंगे। तो बहुत ही कमाल का दोस्तों 3D पेन है। उसके बाद हमें जो है दोस्तों ये एक पैकेट भी दिया था कंपनी ने, जिसके अंदर दोस्तों आपको दे सकते हैं काफ़ी सारे फिलामेंट के कलर हैं। तो काफ़ी सारे जो है इसके अंदर आपको कलर्स मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारे कलर्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो आप कोई भी चाहे तो वीडियो इसकी, कोई भी चाहे कोई भी प्रोडक्ट जो है इससे रेडी कर सकते हैं, कोई भी जो है ड्राइंग कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का दोस्तों मुझे तो लगा है ये। तो दोस्तों मुझे जो है बहुत ही कमाल का ये 3D पेन लगा है। अगर तो आपको दोस्तों हमारी ये 3D पेन के ऊपर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आपने लाइक ज़रूर करना है। और एनेट का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमें भेजा ये पेन ताकि हम इसका रिव्यू कर सकें और आप सब दोस्तों को बता सकें किस तरह यूज़ किया जाता है, इससे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या क्या ड्राइंग कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस 3D पेन का जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चाहे बाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। इस तरह हमारी दुआओं में याद रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।